मॉर्निंग एवरी वन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड गाइज, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, सारे भाइयों को और बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड गाइज, मैं रेडी बैठी हूँ, लेकिन 1 बजे मैं निकलूँगी। अभी हो रहा है 12:30, क्योंकि रक्षाबंधन मतलब राखी बांधने का टाइम 1:30 बजे से है, क्योंकि मैंने सुना भद्रा लग रहा है और उस बीच में राखी नहीं बांधते हैं, तो 1:30 बजे से है। तो मैं 1 बजे जाऊँगी, पहले अपने हस्बैंड की बहनों से राखी बंधवाऊँगी एंड फिर अपने भाई के पास जाऊँगी राखी बांधने के लिए। एंड गाइज, मेरा मुँह सूख रहा है क्योंकि मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट लंच कुछ नहीं किया है। मैं राखी बांधने के बाद ही ब्रेकफास्ट करूँगी, सो इसलिए बस 1 बजे का वेट है, उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं। सो गाइज, एक बार मैं आपको अपना OOTD दिखा देती हूँ। कालो किस्मा रेली माई बांधे कोरी बाना, तिमलाई हृदय रेली माई बिताउला जीवाना। कालो किस्मा रेली माई बांधे कोरी बाना, तिमलाई हृदय रेली माई बिता। सो गाइस, यही सूट है जो मैंने मार्केट से लिया था उस दिन, और मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था जो मुझे फुल फेस्टिव वाइब दे, और ये एग्जैक्टली वैसी है। और जब मैंने देखा तो मुझे फील हो गया, हाँ ये तो परफेक्ट है रक्षाबंधन के लिए, क्योंकि इसमें पिंक है, येलो है, सब मिक्स है। एंड मैंने इयररिंग्स भी येलो लगाया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें येलो भी है। तो प्लीज़ कॉमेंट में बताना कैसा लगा आपको मेरा आउटफिट। यहाँ है ना, असनैको रातो साडी चार पाङ्रे गाडी, असनैको रातो साडी चार पाङ्रे गाडी, किनिदिउँला सुनको चुरा बरुरी नै काली, आहै बरुरी नै काली। गाईलाई गोठरेली माई घोडालाई तबेला, जाला जोबन रेली माई नगर को तेल माया बम्बई जाने रेल, चमेली को तेल माया बम्बई जाने रेल, कहिले हाँसो कहिले आँसु पिराती को खेल, आहै पिराती को खेल। कालो कौवा रेली माई पिपलु हागैमा, झै पारुला रेली माई ए मंसिर को तोप गोला मरी जाने चोला, पल्टन को तोप गोला मरी जाने चोला, आज लगाऊ माया पिरिम भोलि के होला, आहै भोलि के होला। काठ को ठेकी रेली माई काठै को मदानी, केलाई भाग्छ रेली माई जवानै रेली माई बाधे कोरी बना, तिमलाई हेर्दै रेली माई बिताउला जीवन। कालो केसमा रेली माई बाधे कोरी बना, तिमलाई हेर्दै रेली माई बिताउला जीवन।
पहुंच चुकी हूँ अपने मायके में एंड रास्ते में बारिश स्टार्ट हो गई थी तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, इसलिए मैं अभी यहाँ जस्ट पहुंची हूँ तो फिर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। एंड अब मैं बांधूंगी अपने भाई को राखी, उसके बाद खाएंगे फिर खाना, खूब सारा भूख लग रही है बहुत ज्यादा। तो चलो मैं राखी बांधती हूँ अब अपने भाई को। कालो किस मारे ली माई बांधे कोरी बाना तिमलाई हृदय रे ली माई बिताउला जीवाना। कालो किस मारे ली माई बांधे कोरी बाना तिमलाई हृदय रे ली माई बिताउला जीवाना। असनैको रातो साडी चार पाङ्रे गाडी, असनैको रातो साडी चार पाङ्रे गाडी, किनिदिउँला सुनको चुरा बरुरी नै काली, आहै बरुरी नै काली। गाईलाई गोठरेली माई घोडालाई तबेला जाला जोबन रे। रोटी खीर पतीड़ और ये बेसन के लड्डू, ये बेसन लड्डू मम्मी ने खुद बनाए हैं। देखो गाइस, हमारे मेरे मतलब मायके के घर के बाहर कुछ ऐसा है। यहाँ पे देखो अभी ना यहाँ पे बारिश की वजह से ना पूरा घास उग गया, और मैं आपको ना एक फूल दिखाती हूँ, एक मिनट हाँ पकड़ो। तो मैं अपनी मम्मी को कैमरामैन बना रही हूँ। ये देखो ये फूल इतना सुंदर लगता है ना मुझे, इतना मतलब ऐसा लगता है ये दो तीन फूल है पर ये है एक ही फूल है, और ये इतना अच्छा सा खिला है ना, वाह बहुत सुंदर लग रहा है। अभी तो बारिश की वजह से कितने फूल नहीं खिले हैं। आज मेरी मम्मी कर रही है रिकॉर्डिंग। तो ये है ये फ्लावर, देखो कितना सुंदर फ्लावर है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखो ये वाइट ना बहुत रेयर देखा है मैंने, और मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा था ये। तो सो गाइस, मैं आई थी अभी अपने ससुराल में क्योंकि मुझे अपने बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए था। एंड यहाँ हमारे घर के बगल में अभी अभी नया मंदिर का निर्माण हुआ है, तो मैंने फ़ोटोज़ देखी थी तो मुझे बहुत आने का मन था। तो फिर अभी मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ जाऊँगी मंदिर, और मैं आपको भी दिखाऊँगी कैसे कैसे। अब ये कृष्ण भगवान को आते होंगे। अच्छा, लक्ष्मी नारायण हर हर महादेव जय शंभु। अनदर डे सेम व्लॉग, गुड मॉर्निंग गाइस। और आज मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है मेरी मायके से, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब ढाई तीन महीने बाद मैं आई हूँ, और इतना सुकून की नींद सोई हूँ ना मैं, इतना अच्छा लगा है सुबह उठ के भी। मतलब ये फीलिंग एक बेटी ही समझ सकती है, और बहुत अच्छा लग रहा है। एंड गाइस, मैं कल चली जाऊँगी, और उसके बाद आज मैं यहीं पे हूँ। बेबी मेरा सो रहा है अभी, और मम्मी ने चाय पिया, उसके बाद अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करेंगे एंड तब मैं मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, मैं ये उठ गया, मेरा बेबी उठ गया है, और गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग चपेटा बंद होता, गुड मॉर्निंग। और अभी ये ना ऐसे ही होता है सो के उठ के, थोड़ी देर में क्रैंक ही होता है बहुत। सो गाइस, आज बन रहा है ब्रेकफास्ट में ये चना दाल का पराठा, और ये अभी से मम्मी भून रही हैं और फिर इसको पीस देंगे, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्ची डालेंगे मम्मी, उसके बाद फिर इसका पराठा बनाएंगे। एंड बहुत टेस्टी होता है, मैंने बहुत पहले खाया था क्योंकि मुझे तो नहीं आता है बनाना, तो फिर आज मम्मी ने ब्रेकफास्ट में यही बनाया। सो गाइस, इसमें आप ना सब मिक्स कर दिया है, और ये है ग्रीन चिली जो मैंने आपको बताया था अभी, ये सब मिक्स कर दिया है। अब इसे ना जैसे आलू की स्टफिंग भरते हैं वैसे इसे पराठे में भरेंगे। गाइस, जब तक बन रहा है ब्रेकफास्ट मैं आपको दिखाती हूँ ऑर्गेनिक लेमन। ये देखो मैंने उसमें भी डाला था अपने ना क्या बोलते हैं स्टोरी में भी शॉर्ट्स में भी डाला था, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये प्लांट, ये मुझे इतना सुंदर लगता है ना, और
अभी बारिश की वजह से ना पूरी ही काई काई हो रखी है। देखो कितना सुंदर है, एक प्लांट लगा हुआ है इसमें एक फूल, और देखो कितना प्यारा है। ये तो मेरा फेवरेट है प्लांट, और इसमें तो वाह, पता नहीं इस प्लांट का नाम क्या है, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना। सो गाइज देखो, अब एक बार मैं आपको स्टफिंग भर के दिखाती हूँ। मैं है भर के नहीं, मतलब मेरी मम्मी बना रही है। ये जो इसमें ना ग्रीन चिली भी वो पक्का ऐड करना, मतलब जिसके छोटे बच्चे हैं वो तो सिंपल बनाना, लेकिन और अगर आप लोग ऐसे ही करोगे तो मतलब थोड़ा सा, मैम तो क्या करते अलग से निकाल लेते जब बच्चों के लिए, और अगर हमारे लिए खाना है या सब बड़े बड़े खा रहे तो आप लोग तो बहुत चिली डाल सकते हो खाने के लिए। और इस भी इतने अच्छे से बेलना भी ये टफ नहीं होता है। और ये गए तवे पे और इसे अच्छे से सेक देंगे, और अदरक भी इसमें डालना, अदरक लहसुन तो बहुत ज़रूरी है, मस्ट मस्ट है इसमें डालना ना। और इसे घी से बनाना, घी से ही पराठे का टेस्ट आता है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है वो जो बनता है ना, वो कोई कोई रिफाइंड से बनाता है, उसका बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आता है। जो ये घी से बना हुआ जो पराठा होता है ना, उसमें एक अलग ही खुशबू होती है और इतना टेस्टी होता है। तो अब इसमें फिर अब हम दूसरी साइड से भी अच्छे से कर देंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन 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 जैसा नहीं जाता तब तक इसको पकाना। और ये हमारा फर्स्ट पराठा बनके रेडी है, अब ये जाएगा सीधा प्लेट में, उसके बाद मेरे पेट में। सो इस पराठे को मैं खाने वाली हूँ दही के साथ, और इतना टेस्टी होता है ना दही के साथ ये। सो गाइज अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। सो गाइज मैं जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रही थी क्योंकि बेबी बहुत परेशान कर रहा था, और उसके बाद बहुत टाइम बाद अच्छा लगा मम्मी के हाथ का खाना खा के। सो गाइज आई एम डन विद माई ब्रेकफास्ट, और व्लॉग को अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी तो लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।